हेलो दोस्तों, बिहार के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, कौन सा बुक पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में कितने हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई गई है। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, दोस्तों क्या आप बिहार पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सभी को बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि अगर आप 10th पास कर चुके हैं, आपके लिए यह सबसे अच्छा मौका है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिहार में कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक BCECEB करके आप नहीं जूनियर इंजीनियर, जी हाँ दोस्तों, इंजीनियर के पद हासिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के माध्यम से पॉलिटेक्निक का सिलेबस, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को आप इस वीडियो में जान लीजिए। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, चलिए जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक का शब्दिक अर्थ होता है, पॉलिटेक्निक दो शब्द से बना है, ठीक है, पॉली और टेक्निक। पॉली एक ग्रीक, जी हाँ दोस्तों, ग्रीक शब्द है और टेक्निक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। पॉलिटेक्निक को ही डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है, ध्यान से समझे। यह कोर्स 10वीं पास स्टूडेंट्स या 12वीं पास स्टूडेंट्स, 10th, जी हाँ दोस्तों, 10th अपरिग या 12th अपरिग स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई करते ही कंप्लीट करने में 3 वर्ष लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझ ले। तथा 12th पर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 2 वर्ष समय लग जाएगा। डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिससे आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, तथा सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक की सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सीनियर इंजीनियर नहीं बन सकते। जी हाँ दोस्तों, सीनियर इंजीनियर नहीं बन सकते। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा कोर्स में 6 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 6-6 महीने पर होता है। इस कोर्स को पास करने में 50% प्रैक्टिकल मिलता है, तथा पास होने के बाद आपको ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन की बराबरी डिप्लोमा में, जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन की बराबरी डिप्लोमा भी होता है, तो इस कोर्स को पूरा करने में 3 वर्ष लग जाएगा, ये ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों, कोई भी 10th तथा 12th स्टूडेंट्स अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 10th तथा 12th पास होना चाहिए। इस एग्जाम को जितने बार चाहे उतनी बार फॉर्म भर कर मतलब एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूं कि नेगेटिव मार्क नहीं कर रहता है, इसलिए तैयारी करने के लिए 3 सब्जेक्ट का प्रयोग करें, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तथा अच्छे रैंक लाने के लिए कौन कौन सी प्रकाशन की किताबों पढ़ने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अरिहंत, यूनिक, पावन, जी हाँ दोस्तों, उपकार, किरण पढ़ने के बाद अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं, सभी ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, यहाँ पर बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का पूरा सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं और रख भी सकते हैं। सो गाइज, यह मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैथ में 7 अध्याय होता है। नंबर 1 अंक गणित, ठीक है, नंबर 2 बीज गणित, नंबर 3 व्यवसिक, जी हाँ दोस्तों, व्यवसिक गणित, नंबर 4 क्षेत्रमिति, और यहाँ पर नंबर 5 त्रिकोणमिति, और नंबर 6 संख्याकी, और नंबर 7 ज्यामिति, ठीक है, संख्याकी और ज्यामिति यहाँ पर नंबर 7 है। और देखिए, नंबर 1 अंक गणित में 7 चैप्टर होते हैं, संख्या, पदार्थी, लघुत्तम, समाप्त वर्क, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक, और यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक, और वर्गमूल और घनमूल यहाँ पर देख सकते हैं, सरलीकरण, औसत, अनुपात तथा समानुपात, ठीक है, ये सब साथ है। अंक गणित में 7 चैप्टर होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 बीज गणित 6 चैप्टर होता है, समुच्च, सिद्धांत और कर्णी रसिया, बहुपद, दीर्घवृत्त समीकरण, दीर्घवृत्त बहुपद, आलेख, ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड देख सकते हैं, ये नंबर आप लोगों को दिख रहा है, 6वां है, ठीक है। यहाँ पर नंदर देखिए, 3रा व्यवसिक में 4 देख सकते हैं, 14 चैप्टर होता है, ठीक है, घंताक और लघु गुणक, कराधान, प्रतिशतता और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एक एक नियम, लाभ और हानि, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समय और काम, समय और दूरी, मिश्रण अनुपात,
बट यहाँ पर सब आपको बताया गया है, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्रमिति में 5 चैप्टर होते हैं, त्रिकोणमिति में 3 चैप्टर होते हैं, सांख्यिकी में 2 चैप्टर होते हैं, ज्यामिति में 6 चैप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट करते जाइए। फिजिक्स में 6 चैप्टर होता है, गतिबल और ऊर्जा, तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व, नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सब लोग आप लोग देखते जाइए, ठीक, यहाँ पर मिलाते जाइए। रसायन विज्ञान में 22 चैप्टर होते हैं, पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति और परमाणु संरचना, रेडियो रेडियोस क्रियता और धातु एवं अधातु, घोल या विलयन, जल एवं जल की कठोरता, यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण और महत्वपूर्ण लवण, और यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक प्रमुख गैसों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख गैसें और कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान, औगिकी रसायन, महत्वपूर्ण रसायन यौगिक, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं रासायनिक बंधन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, परमाणु, द्रव्यमान, इकाई एवं मोल, सॉरी दोस्तों, संकल्पना, और यहाँ पर देख सकते हैं गैसीय नियम, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, इधर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईंधन, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, सभी यहाँ पर आप लोगों को मिला लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में कितना प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं तथा कितने रुपये लगते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने में। 600 रुपये, 800 रुपये बीज लगता है तथा इस फॉर्म को भरने में डेट ऑफ फोटो, 10th एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, आधार कार्ड, इतना डॉक्यूमेंट लगता है जब आप पॉलिटेक्निक, जी हाँ दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो किसी भी राजकीय, जी हाँ दोस्तों, किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं तो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे डेट ऑफ फोटो 8 से 10, ठीक है, 10th एडमिट कार्ड, 10th मार्कशीट, प्रोविजनल, आधार कार्ड, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र है, और हार्ड देखिए हॉपी, हाँ दोस्तों, हैप्पी डिफिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, SLC, स्कूल लिविंग, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, पैन कार्ड, पंचायत सेवक आरक्षण, सॉरी सरपंच द्वारा पिता का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, इतना सारा डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यह ध्यान रखें आप लोग, ठीक। बिहार में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो ध्यान रखें नंबर 1 में नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक और पटना में है 13, ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 7, यहाँ पर देखिए नंबर 3 है राजकीय पॉलिटेक्निक गया, नंबर 4 है राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, नंबर 5 है राजकीय, यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटेक्निक सहरसा, और नंबर 6 है राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए। यहाँ पर देखिए नंबर 8 है राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहार, राजकीय पॉलिटेक्निक शिवहर, राजकीय पॉलिटेक्निक नालंदा, राजकीय पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन, ठीक है। यहाँ पर नंबर 13 देखिए राजकीय पॉलिटेक्निक लखीसराय, राजकीय पॉलिटेक्निक वैशाली, और राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार, राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज, राजकीय पॉलिटेक्निक को छपरा, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया, वेस्ट चंपारण, पॉलिटेक्निक गोपालगंज, बक्सर, देख सकते हैं ये सब मौजूद है, आप लोग यहाँ पर नोट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है, पॉलिटेक्निक में कौन सा, सॉरी दोस्तों, पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांच होते हैं, पॉलिटेक्निक में 6 ब्रांच होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल इंग, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंग और CIVL, ठीक है, इलेक्ट्रिक सॉरी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर, ठीक है, और केमिकल इंग इत्यादि होते हैं सभी यहाँ पर, ठीक है। छठवां बता दिया हूँ मैं आपको, ये सब आप लोगों को ध्यान में, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को ज्वाइन कर लें कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।